6 महीने का जो सदुपयोग सबसे बड़ा हुआ ये किताबें पढ़ने का, और मोबाइल नहीं होता था तो जो फोन के और मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ट्विटर पे जो समय जाता था वो समय उसका सदुपयोग पूरी तरीके से किताबों को पढ़ने में किया और इससे बहुत हौसला मिला और ऐसा महसूस हुआ कि इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आजादी के लिए एक नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, यातनाएं सही हैं, फांसी के फंदे को चूमा है। तो जो भी कभी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेगा, अपनी आजादी के लिए काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, उसको यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। हमने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तो पहली गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में हुई थी। शहीद आजम भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में जो कुछ भी कर दिया वो अनुकरणीय है, वर्ष युगों युगों तक याद किया जाएगा। और मैंने तो कल उनकी लाइन भी पढ़ी जब उनको फांसी की सजा हो गई और उनके भाई उदास थे तो उनको एक पत्र लिखा भगत सिंह जी ने, और उस पत्र के अंत में एक लाइन लिखी कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाह हुकूमत को हटाने के लिए, अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए भाजपा के लोगों को कि केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, हम लोगों को जेल में रख के वो कहीं सफल हो जाएंगे। ऐसे समय में आपको बेल मिली, ऐसे समय में रिहाई हुई जब आम आदमी पार्टी की तरह से जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी तरह से खाली हो गई थी जगह, और एक मैं से गुजर रही थी, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? खासतौर मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा और आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन।